नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आर्बिट्रेज के ऊपर दो तीन वीडियो बनाया था, वो आप लोग देखे होंगे। तो आज लाइव एग्जांपल, मतलब लाइव मार्केट में वो कैसे काम करता है वो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ इंट्राडे में। तो मैंने देखिए, लाइव मार्केट में मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस और पीएल को चुना हूँ। क्यों चुना हूँ इधर से आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, जितना आप मैंने अगला वीडियो में मैंने बार बार बोले थे कि जितना सारा स्प्रेड ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस जितना होगा परसेंटेज, तो उतना ही प्रॉफिट होगा। तो देखिए, इंडिया बेसिस पे मैंने इसको करेंगे। अभी सेंचुरी टेक्स तो हाई दिखा रहा है, लेकिन मैंने बजट भी देख रहा हूँ। तो देखिए, इसके बाद जो 1% के ऊपर या 2-3% ज़्यादा होगा तो उसी को ले लेंगे। तो देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस में ज़्यादा है, और पीएल में अभी तो 1 दिखा रहा है, लेकिन इसमें भी 3-4% रहता है। तो मैंने बजट का हिसाब से भी किया है, तो इसीलिए मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस और पीएल को मैंने चुना हूँ। तो देखते हैं, देखिए इधर 800 में हम लोग का इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस लॉट साइज 800, ये सब आप लोग देख सकते हैं। और इधर एक बात बोलना चाहता हूँ, इधर आप लोग टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस रख के इससे ज़्यादा प्रॉफिट रख सकता है, लेकिन इधर सेफ्टी का बात हो रहा है, मतलब सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस, बिना किसी टेंशन लेके, बिना किसी रिस्क लेके हम लोग प्रॉफिट करेंगे, वही हम लोग का पर्पस है। ये आप लोग पढ़ सकता है, देख सकता है। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड लेना जाऊंगा, ठीक है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस और पीएल, तो इधर आइए चलते हैं, देखता है लाइव मार्केट में। और लाइव मार्केट में एक बात और भी बोलना चाहता हूँ, जब भी आप लोग ऑर्डर डालने का कोशिश करेंगे तो इधर सोच लीजिए, जिसको बाई करेंगे वो इधर LTP में लेगा, नहीं तो एक्सप्रेस में लेगा। और जब भी आप लोग सेल करने जाएंगे तो इसको उल्टा होगा, मतलब ये बिट प्राइस में लेगा, नहीं तो LTP में लेगा। ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो अभी इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस अक्टूबर फ्यूचर 182.75 और 188.95। इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस अक्टूबर फ्यूचर को हम लोग बाई करेंगे, और इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस कैश को हम लोग सेल करेंगे। तो देखिए, 188.80 और 185.80, मैंने इसको पकड़ता है। देखिए, एक ऑर्डर डालने के बाद हो सकता है दूसरा ऑर्डर डालने के कुछ 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम डिफरेंस हो सकता है। तो मैंने एक साइड को 50% बढ़ा के दिखाता हूँ। तो 182.30 और 186, इसको ही मैंने पकड़ता हूँ, 182.45, 186.30। तो मैंने इसको 186.80 कर रखता हूँ और 182.30 रखता हूँ। तो लिखता है, देखता है, बाई डब्ल्यू हाउसिंग फिनंस 182.30 और ये 88.80। उसके बाद क्या हो रहा है आप लोग देखेंगे, मैं भी देखता हूँ। और पीएल को मैंने 133.25 में अक्टूबर फ्यूचर को बाई करता हूँ और 1363.65 में सेल करता हूँ। तो 1333 में बाई किया, 65 में सेल किया। तो देखता है दोनों में क्या आ रहा है। तो अभी पॉज करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए पॉज करके रख। देखिए, इंडिया बुल हाउसिंग फिनंस अभी 182.90 चल रहा है और ये 185 चल रहा है। तो देखते हैं हम लोग कितना हुआ था। तो इधर हुआ है 2 पॉइंट लॉस और इधर